नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास फ्रेज का स्पोर्ट्स पोस्ट में। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आज से दूसरा मैच शुरू होने ही वाला है, और उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारतीय टीम बदलाव के साथ उतरेगी? क्योंकि बेंगलुरु में भारत को करारी हार मिली थी, और ऐसे में पुणे की टेस्ट की पिच के बारे में ये बताया जा रहा है कि पिच जो है स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो हो सकता है कि आज आपको 3 से 4 स्पिनर्स के साथ साथ मोहम्मद सिराज की जगह पर आकाशदीप खेलते हुए नजर आए। पर वो तो बात की बात है, पर ये टेस्ट जो है भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि इसमें जीत भारत को हर हाल में चाहिए। क्यों चाहिए उसके बारे में आपको हम बताएंगे, और भारत की प्लानिंग क्या होगी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, भारत की बल्लेबाजी जो है पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में फ्लॉप हो गई थी, 46 पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने कोशिश जरूर करी। सरफराज खान, ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, पर वो कोशिश जो है वो काफी नहीं थी और भारत को हार मिली। ऐसे में अब इस पिच पर भारत के बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे, और साथ के साथ ही गेंदबाजों को भी कमाल की गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर भारतीय मुकाबला हारेगा, ना सिर्फ भारतीय मुकाबला हारेगा बल्कि सीरीज भी हार जाएगा, तो भारत जो है इस सीरीज को दांव पर नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। काफी कहते हैं ना कि बहुत साल हो गए कि भारत अपने घर में सीरीज हारा नहीं है, और भारत चाहेगा भी नहीं। और हमने अपनी टीम को कई बार देखा कि भारत पहला मुकाबला हारती, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसके सामने हम पहला मुकाबला हारे थे, पर उसके बाद हम कमबैक करना जानते हैं। और रोहित शर्मा, गौतम गंभीर अपनी टीम को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो पुणे में जो टेस्ट है, आपको बता दें बारिश यहां पर तो नहीं होने वाली है, ये आप यकीन मानकर चलिए। 5 दिन आपको खेल देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आपको 5 दिन तक भी जाना ना पड़े, क्योंकि ये टेस्ट की जो पिच है वो खतरनाक बताई जा रही है। तो देखते हैं पिच किस तरीके से बिहेव करती है। टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है, पर दिलचस्प होगा प्लेइंग 11 को देखना कि क्या होती है भारत की प्लेइंग 11। साथ के साथ न्यूजीलैंड क्या कोई बदलाव के साथ उतरेगा? केन विलियमसन तो फिट नहीं है, तो वो भी इस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, तो टॉम लैथम ही आपके कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो हमारी नजरें जो है आप सभी को बता दें इस टेस्ट पर है, आपको सभी जानकारी मिलती रहेंगी, जो भी प्लेइंग 11 हो, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस हो, फेलियर हो, अच्छाई हो, बुराई हो, हर एक एस्पेक्ट को हम आपको यहां पर बताएंगे। सो अगर आपको खेल की खबरों में दिलचस्पी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आपको लगातार क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी।